ईश्वर पूछेगा कि फव्वारे को तुमने शिगलविंग कैसे बता दिया। अभी तीन चार रोज पहले की बात, तीन रोज पहले की बात है, हैदराबाद की एक मस्जिद है, मक्का मस्जिद, वहां पर गए, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। जैसे ही हम वहां हौज पे बैठे, बहुत बड़ा हौज, जैसे आप मक्का मस्जिद घुसेंगे फ्रंट गेट से तो वहां एक हौज है, उस हौज पे जब बैठे हम वजू के लिए, इतना खूबसूरत शिवलिंग, हमने कहा एक दोस्त से, भैया ये मोबाइल लो और ये फोटो खींचो, मेरे साथ फोटो खींचो। वो जो फव्वारा पानी निकलता, वो फव्वारा क्यों लगाते, ताकि पानी का सर्कुलेशन बना रहे, पानी साफ शफाफ रहे, इसलिए वो फव्वारा बनाया जाता, पत्थर का था बना हुआ उसका। हमने कहा कि भाई वो तो आरएसएस वालों को पता नहीं चला, वरना मक्का मस्जिद के फव्वारे को भी कह देते शिवलिंग, शिव जी का लिंग उसको साबित कर देते। बैरकत, उसको पूछेंगे कि तुमने फव्वारे को शिवलिंग क्यों बताया, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। अकबर का नाम ले लेकर बदनाम करते, औरंगजेब का नाम ले लेकर बदनाम करते, औरंगजेब के जमाने में तो सीमेंट वीमेंट का वजूद ही नहीं था, लेकिन फव्वारा जो बना हुआ है ज्ञानवापी मस्जिद का, वो सीमेंट और रेत से बना हुआ, सरिया से बना हुआ, उस जमाने में तो सरिया ही नहीं था, 20वीं सदी में सरिया और सीमेंट का वजूद इसको इजाद किया गया 19वीं सदी में, तो ये आया कहां से? पहले से अल्लाह ने ऊपर से नाजिल कर दिया था क्या कि अकबर लेके जाओ सीमेंट तुम्हारे लिए बना रहे हैं और रोड़ी तुमको भेज रहे हैं, रोड़ी का सबसे बड़ा खान सीमेंट का, लोहे का, कोयले का, ये आपके झारखंड में ये सारी चीजें कसरत से पाई जाती है, रोड़ी गिट्टी रेत है कोयला है, ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर उपज कहीं पर है तो आपके झारखंड में है, कोयले का सबसे बड़ा मान, ये माइनिंग जो होती है आपके यहीं पर, ये गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में, ये ललमटिया के तरफ गए देखा हूं, दूर से देखा है हमने, और रोड़ी का पहाड़ जो खोद कर निकालते हैं, बड़े बड़े मशीनें लगाकर पातुर है, और आपका इधर देवघर गिरिडीह के तरफ है माइनिंग का काम होता है उस वक्त, लेकिन नहीं थी सीमेंट का कोई वजूद नहीं था, फव्वारा जो बनाया हुआ सीमेंट का बनाया हुआ इतने दिनों से, और अगर शिवलिंग होगा तो कोई भी मस्जिद के अंदर कोई भी मूर्ति हो मुसलमान बर्दाश्त करता है, बिल्कुल नहीं करेगा, सबसे पहले कुढ़ा लेकर उसी शिवलिंग को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान मूर्ति पूजा को नहीं मानते, मुसलमानों का अकीदा मूर्ति पूजा को हमारे हिंदू भाई मानते। अगर शिवलिंग होगा, शिवलिंग की एक लंबी तारीख है जनाब, शिवलिंग कैसे वो शिवलिंग बना, क्या क्या हिस्ट्री, क्या क्या इतिहास है, उसके बारे में कभी वक्त मौका मिलेगा तो हम क्लियरली बताएंगे, ओपनली बताएंगे, लेकिन इतना है कि शिव जी का लिंग है, अगर शिव जी का लिंग किसी मस्जिद के मिंबर पर, किसी मस्जिद के वजू खाने में हो तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने उस बुतों के घर में, उन बुतों के घर में घुसकर सारे बुतों के नाक किसी के तोड़ दिए, किसी की गर्दन उड़ा दी आपने, किसी की हाथ तोड़ दी, किसी के पैर तोड़ दिए आप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जमाने में, क्यों? मूर्ति का न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्नाम महद्दसा न देवा मुरच्च लामिया न कांस्य विदते द्योन पाषाणे न मूर्न में, जमीन में, लकड़ी में, मट्टी में, पत्थर में परमात्मा वास नहीं कर सकते, परमात्मा हर जगह पर वास करते हैं, परमात्मा जहाँ पर बेटी की इज्जत होती है परमात्मा वहां पर भी वास करता है, जहाँ पर बेटी की इज्जत नहीं होती है परमात्मा वहां वास नहीं करते, जहाँ पर इंसान मनुष्य अपने प्योर दिमाग करके अपने ईश्वर को याद करता है परमात्मा वहां पर भी वास करते हैं। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। बेटी की इज्जत करोगे, बहन की इज्जत करोगे तो परमात्मा वास करेंगे, और अगर बेटी की इज्जत नहीं करोगे, बहन की इज्जत नहीं करोगे, नारी का सम्मान नहीं करोगे तो परमात्मा वास नहीं करेंगे। परमात्मा वहां वास करते हैं जहां पर औरतों की इज्जत की जाती है, जहां पर दिमाग को खाली करके उस परमात्मा के बारे में सोचा जाता है वहां पर परमात्मा वास करते, ये हमारा अकीदा है। परमात्मा किसी मट्टी में प्रकट नहीं हो सकते, परमात्मा किसी पत्थर में, किसी मूर्ति में उसको जाहिर नहीं किया जा सकता, वो हर जगह पर होता है। न संदरूषी चिस्थिति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, उसका कोई रूप नहीं होता, उसका कोई आकार
आकार नहीं होता है इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, फिर कौन है जो ईश्वर का आकार बताता है? अगर आकार बताते हो तो गलत करते हो। परमात्मा की कोई बॉडी नहीं होती, परमात्मा के कोई हाथ नहीं होते, उनका कोई सर नहीं होता, उनकी जुबान नहीं होती है। हाँ, अकीदतन हम ये कह सकते हैं, जैसे कभी बोलते हैं यदुल्लाह अलल जमा, कि जमात पर अल्लाह की हाथ होती, मतलब अल्लाह की मदद होती, समझाने के लिए बोला जा सकता है। लेकिन बाज़ाब्ता अल्लाह तबारक व ताला की कोई बॉडी नहीं, अल्लाह बॉडी लेस है, अल्लाह ताला हैंडलेस है, अल्लाह हैंडलेस एंड फीटलेस, बॉडीलेस जिस्म नहीं है अल्लाह का। अल्लाह तबारक व ताला का कोई आकार नहीं, लैस कमिस्लिही शय, नतस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महत्तसा, उसके नाम का मनन करना, उसके नाम को जपना सबसे बड़ा पुण्य काम है। इसीलिए कहा गया प्रश्नोत्तरी में के हे जो ब्रह्मगत शांति, ब्रह्मगत शांति सत्संग तिरदान विचार तोषः, कि सत्संग करो, सच्चाई की यूनिटी बनाओ, जलसा करो, कॉन्फ्रेंस करो, उसमें ईश्वर का नाम लिया जाएगा तो ईश्वर वास करेंगे, ईश्वर आएंगे और पूछेंगे, ईश्वर के जो दूत होंगे वो पूछेंगे कि बताओ वहां पर क्या चल रहा था, बताओ वहां पर क्या हो रहा था। तो जो दूत होते हैं वो कहेंगे कि ईश्वर वहां पर कुछ लोग बैठे थे और आपके नाम का, आपके स्वरूप का मनन कर रहे थे, आपके अच्छे नामों का वर्णन कर रहे थे। ए अल्लाह, वहां पर आपके नेक बंदे थे। फरिश्ते कहेंगे आपके नाम का तज़किरा हो रहा था, आपके आखिरी नबी मोहम्मद का नाम का तज़किरा हो रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि बी विटनेस, गवाह रहना, हमने इनको माफ कर दिया। ये जलसा रहेगा नहीं जाएगा आपका, नूरानी महफिल है, फरिश्ते घेरे हुए हैं, ये सिर्फ चंदा के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जलसा ऑर्गेनाइज करके दीन की बहुत सारी ऐसी बातें आपको सुनने को मिल जाती है जिससे ईमान ताजा होता है। मैं अपनी तकरीर में तो कहीं ना कहीं दीन की बातों के साथ साथ दुनियावी बातों को जरूर जोड़ता हूं, क्योंकि आजकल हमारा मिजाज ऐसा बन गया है कि जलसे का मतलब इस्लाहे मुआशरा से, और इस्लाहे मुआशरा में हम क्या समझते हैं जरूरी, कुरान और शरीयत की बात सिर्फ, नमाज, रोजा, हज, जकात, जहेज, ये विरासत, यही और चीजों को हम इस्लाहे मुआशरा से अलग कर देते हैं। नहीं, एक बात याद रखी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ये दीन तमाम चीजों का इहाता किए हुए। अभी एक हाफिज साहब बोल रहे थे, बड़े मुखलिस हैं माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की उन्होंने, हाफिज जुबैर साहब, एक सवाल है उनकी तरफ से, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने दुनियावी एतबार से उन्होंने सवाल पूछा कि मौलाना, मौलाना लोग क्या सिर्फ तकरीर करेंगे, क्या तकरीर करने के लिए आते हैं? अगर मौलाना कोई सियासत में आ जाता है तो मौलाना अगर सियासत करना चाहते हैं, करने का शौक है, जज्बा है कुछ करने का, तो कर सकते। अब हम लोग क्या कहते हैं उसको, मौलाना सियासत में क्यों आ गए? आपको पता होना चाहिए इस देश का सबसे पहले एजुकेशन मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। हिम्मत नहीं होती थी वल्लभ भाई सरदार, वल्लभ सरदार पटेल की, कि मौलाना के सामने दाल गल जाए। एक तरफ उधर वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना, एक तरफ इधर सरदार पटेल, दोनों के सामने बहस होती। सरदार पटेल हिंदू हिंदू, वो मुस्लिम मुस्लिम चिल्लाते। दोनों के झगड़े को अगर कोई सॉल्व करता था तो उस मध्य मुजाहिद का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना थे अबुल कलाम आजाद साहब, जिधर चले जाते एक इंकलाब पैदा होता। इसीलिए ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि दीनी जलसा है या टोपी दाढ़ी वाले हैं तो इनको सियासत में नहीं आना चाहिए। बात याद रखिए, जो कयादत एक आलिम दीन कर सकता है, वो कयादत वो समाज का दूसरा तबका नहीं कर सकता। आजकल जितने भी आप देखेंगे बड़े 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 जो राजनेता कुर्सी पर बैठे हुए, याशी करते, शराब पीते हैं और शबाब के साथ रातों को खिलवाड़ करते हैं, उनको शराब चाहिए, उनको शबाब चाहिए,
बड़े बड़े नेता जितने भी होते हैं, अगर कोई आलिम दीन उस गद्दी पर बैठेगा न तो वो शराब को मुंह लगाएगा और न तो वो शबाब की बात करेगा कभी भी। उससे बेहतर बना कि नहीं बना, अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर सियासत है, उमर फारूक की जिंदगी के अंदर सियासत है। इसलिए किसने आपको कहा कि उलमा सियासत में नहीं आ सकते? उलमा जब इमाम बन सकते हैं, आपकी नमाज को लेकर जमीन से आसमान तक जा सकते हैं, तो क्या आपके मसाइल को पंचायत से लेकर क्या राज्यसभा तक या लोकसभा तक नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ये भी सियासत का मतलब खिदमत खल। लेकिन आज के जमाने में इस सियासत को लोगों ने क्या बना दिया? गंदा बना दिया। इसलिए लोग कहते हैं मौलाना है आप सियासत मत कीजिए, आप मस्जिद में रहिए, आप मकतब में पढ़ाइए। नहीं, अगर कोई आना चाहता है तो उसको ये इल्जाम मत दीजिए आप मौलाना है, आप क्यों आए। मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं इस फील्ड में हूं, मैं जानता हूं बहुत गंदगी है सियासत में। लेकिन आप सिर्फ ये कहकर छोड़ दें कि गंदगी है छोड़ दीजिए, जब अच्छे लोग नहीं आते तब ना बुरे लोग आते हैं चुन करके, इसलिए अच्छे लोगों को। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उलामा ही हो, उलामा भी हो, उलामा ही ना हो, उलामा भी हो इसमें, ताकि इससे लोगों के अंदर सही रहनुमाई हो सके। हमारे मौलाना असरारुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, ही बास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने दीनदार, इतने नेक और इतने अच्छे इंसान थे, एक बहुत बड़ी ताकत के मालिक, एक बहुत बड़े एक सांसद थे वो, विधायक भी सांसद एमपी थे वो, लेकिन उसके साथ साथ इतने इतनी सादगी के साथ अपनी जिंदगी गुजार करके गए वो। बिल्कुल सेम आप यूं कहिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने बादशाह और दौलतों के अंबार आप चाहते तो हो सकता था, लेकिन आप अलैहि सलाम उसके बावजूद भी आप जहां पर उंगली रख देते उस जमीन को अल्लाह तबारक व तआला सोने से बदल देता, लेकिन आप फिर भी फाके की जिंदगी गुजार करके गए। आप चटाई पर सोते थे, आप अलैहि सलाम के पूरे ये कमर पे इस तरफ और कभी गाल में निशान पड़ जाते थे, दोनों जहां के शहनशाह चटाई पर लेटे दाल खजूर खा खा कर दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच दिन तक रह जाते। इन सुन्नतों पर अमल किसने किया? हमारे अकाबिर ने। लेकिन इन सुन्नतों पर अमल करने के साथ साथ उन्होंने अच्छी क़यादत की। मौलाना असरारुल हक साहब कासमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मौके पर पटना में प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला प्रोग्राम हो चुका है, मैं आराम करना चाहता हूँ। हज हाउस में आराम किए, उन्होंने कहा कि सुबह तुम ही मुझे छोड़ करके आना। गाड़ी थी, हम गए हजरत को लेकर एयरपोर्ट। एक एमपी मेंबर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको अलग से वीवीआईपी हो गए ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए ना, उसके लिए अलग से लाइन होता। तो हमने कहा कि हजरत आप लाइन पे लगकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौलाना तुम चुप रहो। मैंने कहा कि सर आप रुकिए, मैं सब अरेंज करता हूं, मैं सिर्फ कह दूंगा कि दिस पर्सन एंड राइट नाउ ही इज इन पावर एंड ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट नाउ फ्रॉम किशनगंज लोकसभा, किशनगंज लोकसभा के एमपी, और इनको लाइन में खड़ा करके रखा। अभी देखिए सारा पूरी बटालियन आपकी खिदमत में आ जाएगी, क्यों? ये आपका प्रोटोकॉल है हजरत। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना, कोई इन प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, एक भी बॉडीगार्ड साथ में नहीं। बड़े लंबे दिन की बात नहीं बता रहा हूं, ये 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात बता रहा हूं। मौलाना लाइन में लगकर खड़े होकर कार्ड निकाल कर अपना आधार कार्ड टिकट शो करके तब गए, और जाकर बोर्डिंग पास लेने में भी, अभी तो बोर्डिंग पास के लिए वेब चेक इन कर दिया, ऑनलाइन बोर्डिंग पास आपके मोबाइल में आ जाता है, या मशीन एयरपोर्ट पे जाइए वहां पर निकाल लीजिए। पहले बोर्डिंग पास काउंटर पे जाके लेना पड़ता था, तो मौलाना लाइन पे लगकर ही काउंटर पे जाकर बोर्डिंग पास लिया होगा। बोर्डिंग पास लेने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग करानी पड़ती, यानी एक एक चीज की जांच मशीन लगाकर करते हैं फ्लाइट में बैठने के लिए, फाइनली चेकिंग होती है, उसमें भी लाइन लगाकर गए होंगे। बताइए कितने बड़े अल्लाह वाले और कितने बड़े ओहदे के मालिक, डीएम कलेक्टर के
उनसे भी समझिए बाज मामलों के अंदर में बड़ी ताकत और बड़ी पावर होती, लेकिन उसके बावजूद भी आप लाइन में लग करके जा रहे हैं। हमने उस दिन हमने देखा कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे कैसे बंदों को इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ, इतनी ताकत इतने पावर होने के बावजूद भी एक आम इंसान की तरह लाइन पे लगकर जा रहे हैं। हम लोग ये चीज बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ी सी पावर आ जाए तो जनाब गर्मी दिखाते हैं। तो बहरे कहते ये सब वो चीजें हैं जिसका ताल्लुक इस्लाह से है, हमारे अंदर इस्लाह की सख्त जरूरत। तो इस जैसे प्रोग्राम के बारे में तस्किरा होगा ईश्वर के पास, परमात्मा के पास। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि पूछेगा आपसे आपका ईश्वर परमात्मा, उस वक्त क्या सवाल होगा तो क्या जवाब दोगे हमारे हिंदू भाइयों कि फव्वारे को तुमने शिवलिंग बताया था, हालांकि वो शिवलिंग नहीं था। एक एक उसको छोड़िए, आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह, इस हिस्ट्री को मैंने पहले भी बयान किया था, मैं समझता हूँ कि आज भी आपके सामने इस हिस्ट्री को रखूं, इसलिए कि मेरी ज्यादा कोशिश यही होती है कि जितने भी इल्जामात लगते हैं इस्लाम पर, शरीयत पर, कुरान के मानने वालों पर, कम से कम यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से सब लोग सुने इस हिस्ट्री को और खुद के अंदर कोशिश हो कि भाई पढ़ कर देखें कि मौलाना अब्दुल्ला ने सही कहा है कि नहीं कहा, ताकि जो टिप्पणियां होती है, ताकि जो इल्जाम लगते हैं उसका तो कहीं ना कहीं सत्य बाप हो सके, उसके ऊपर कम से कम रोक लग सके। यही औरंगजेब आलमगीर, ये तो मौलाना एमपी साहब थे, उनके अंदर इतनी सादगी थी, पूरी भारत पर हुकूमत करने वाली जात आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह, जिन पर ये इल्जाम है कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई, गलत हिस्ट्री। डॉक्टर पीएन पांडे कहता है, डॉक्टर पीएन पांडे उनकी उनका रिपोर्ट, वो भी पार्लियामेंट के मेंबर थे 1977 में, उनके रिपोर्ट को बट्टा सीतारमन ने अपनी किताब पर और पत्थर के अंदर लिखा है और ये कहा है कि औरंगजेब आलमगीर के ऊपर जितने भी इल्जाम लगते हैं कि इन्होंने मंदिर को तोड़ पर ज्ञान बापी मस्जिद बनाई थी, ये गलत हिस्ट्री, गलत इतिहास। मैं 100 बार नहीं, मैं 100,000 बार ये कहने के लिए तैयार हूँ, जिस हिस्ट्री की किताब को उठाकर देखोगे मैं कहूंगा देखो पढ़ो और फिर साबित करो कि औरंगजेब आलमगीर ने ज्ञान बापी मस्जिद बनाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने वाला औरंगजेब अकबर के जमाने का है और औरंगजेब का जमाना बाद का जमाना, बहुत बाद का जमाना है। एक तरफ विश्वनाथ की मंदिर थी, एक तरफ ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, किसने? अकबर ने। अकबर दो शरीयत का आजाद ख्याल का था, यानी वो ये कहता था अपनी नई शरीयत बनाई थी, जिसको जो मन में आए वो कुरान पर अमल करे या गीता पर अमल करे, सबके सब बराबर करार दे दिया गया था। दीन इलाही की बुनियाद रखी, उसी दीन इलाही की बुनियाद पर उन्होंने विश्वनाथ की मंदिर बनाई और ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी, ये तारीख है। लेकिन औरंगजेब का जमाना आता है, औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जरूर है, लेकिन विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बनाई, बल्कि विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर दूसरी जगह उस मंदिर को मुंतकिल किया था। क्यों? मैं बताता हूं उसकी हिस्ट्री, ये आपके सामने यूट्यूब वाले बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पहले इस प्रोग्राम को कोट किया और आपके सामने मैं फिर से बयान करता हूँ, फिर इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करना, रीअपलोड करना। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जब औरंगजेब आलमगीर जब चलता है वहां से दिल्ली से, जब कलकत्ता बंगाल का सफर करता है, तो वहां पर विश्वनाथ बनारस पहुंचता है, तो बनारस के अंदर एक पूजा का समारोह होता है कि समाज की बेटियां स्नान करती हैं, विश्वनाथ देवता, विश्वनाथ मूर्ति का नाम, उस मूर्ति का पूजा करके अपने घर को जाती। एक दिन का त्योहार था, वहां के राजाओं ने कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ए औरंगजेब आलमगीर आप आए दिल्ली से, हम मेहमान नवाजी ना करें आपके साथ, ना इंसाफी होगी, आपके शान के खिलाफ बात होगी, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन के लिए इसी बनारस में रुक जाइए, ताकि आपके फौजों की मदद से हम अपने तमाम पूजा स्थल को प्रोटेक्ट कर पाए, उनकी हिफाजत कर पाए। औरंगजेब ने कहा कोई बात नहीं है, चलो मैं रुक जाता हूँ एक दिन। जब एक दिन रुके तो रातों को स्नान करके समाज की बेटियां जब विश्वनाथ मूर्ति के करीब गई, पूजा की सारी बेटियां घर पहुंच गई, औरत की दो या एक बेटी, समाज की दो बेटी या एक बेटी
घर नहीं पहुंची। खबर फैल गई कि दो बेटियां दो नारियां गायब हो गई हैं। खबर लगी इनको औरंगजेब को, औरंगजेब खामोश नहीं बैठा। औरंगजेब ने कहा कि समाज की दो बेटी गायब हुई है। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होता, अगर औरंगजेब तशद्दुद परस्त होता, हिंदुओं से नफरत करता, तो औरंगजेब अपने पर्सनल दरबारियों को भेज कर कहा कि बेटियों को ढूंढो कहां पर है, समाज की बेटियों को ढूंढो कहां पर है, कहीं गंगा के घाट पर तो नहीं गुम हो गई, कहीं विश्वनाथ मंदिर के नीचे तो दफन नहीं हो गई। सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई था उस समय में तो औरंगजेब आलमगीर था। इस तारीख को क्यों नहीं बताते मीडिया वालों? अपने जमीर को बेचकर, अपने राजनेताओं को खुश करके कब तक लड़ाते रहोगे? भारत के मन शांति को कब तक भंग करते रहोगे? औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि ढूंढो बेटियों को। ढूंढा जाता है, उस मूर्ति के नीचे एक सुरंग मिलता है, विश्वनाथ मूर्ति के नीचे सुरंग मिलता है। देखता है तो वहां पर तहखाने के अंदर दोनों की दोनों बेटियां नंगी पड़ी हुई थी। उनकी इज्जत लूटी जा चुकी थी, उनका अपहरण हो चुका था, बलात्कार हो चुका था, उनकी सारी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। जब पकड़ कर लाई गई उन बेटियों ने कहा कि फना पुजारी ने हमारी इज्जत लूटी है, तो सारे राजा महाराजा, उस वक्त के महाराजा एक ही थे औरंगजेब, सारे राजा गुस्से में हो गए, लाल पीले हो गए। और ये कहा कि अच्छा औरंगजेब, औरंगजेब साहब क्या किया जाए, पुजारी जी ने हमारी बेटी की इज्जत लूटी। औरंगजेब ने कहा कि तुम लोग क्या चाहते? उन्होंने कहा कि फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिना किया, हमारी बेटी की इज्जत लूटी। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, उनको फांसी पर चढ़ा दो। वहां के पुजारियों ने ये कहा कि सर इस जगह को क्या करें, ये तो अपवित्र हो गया, ये तो जगह नापाक हो गई, बेटी की इज्जत दफन हो गई, इसमें क्या किया जाए? औरंगजेब ने कहा क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट एंड दिस प्लेस, इस जगह के बारे में क्या सोचते हो, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि इस जगह को हम लोग तोड़ देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि कोई याद ही बाकी ना रहे कि यहाँ पर समाज की दो बेटी की इज्जत लूटी गई। तो पता औरंगजेब ने क्या मशवरा दिया? नहीं, विश्वनाथ देवता की मूर्ति को मत तोड़ो। मीडिया वालों, इंडिया टीवी वालों, आप सरकार के नूरे नजर है, मैं जानता हूं। पिछले एक हफ्ते से हमारी तकरीर चलाते हो, मेरी इस तकरीर को नहीं चलाओगे तुम, क्योंकि तुम्हारे हड्डियों में ताकत नहीं है, तुम्हारे खून में गद्दारी कर गर्मी भरा हुआ है, पैसों की गर्मी भरी हुई है, और जो करप्शन और घोटाले कर कर चापलूसी कर कर जो तुम बुजदिल बन गए, मेरी इन बातों को नहीं चलाओगे। औरंगजेब कहता है मूर्ति नहीं टूटेगी, मूर्ति को उठाओ, क्यों? तुम्हारा आस्था है, तुम्हारा परमात्मा है। इसको उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह पर, वहां पर उस मंदिर को बनाया, उस जगह को तोड़ा। किनके कहने पर? हिंदू राजाओं के कहने पर। औरंगजेब ने क्यों उस जगह क्यों तोड़ी गई? बेटी की इज्जत दफन हुई थी। अंजना ओम कश्यप चलाना मेरी इस क्लिप को कि बेटी की इज्जत दफन हुई थी, तो औरंगजेब ने अपने ऑर्डर पर नहीं, हिंदू राजाओं के कहने पर उस जगह को तोड़कर, और ये नहीं कि मंदिर तोड़ दिया, दूसरी जगह मंदिर बनाया, जो अभी विश्वनाथ मंदिर है वो औरंगजेब का बनाया हुआ है, औरंगजेब का। मैं झूठ बोलता हूं तो तारीखी किताब है, डॉक्टर डॉक्टर बी एन पांडे की किताब उठाकर देख लीजिए, उन्होंने पर और पत्थर, बट्टा सीता रमन की किताब, जो पटना म्यूजियम के साबिक प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, मोहतमिम भी रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसका जिक्र किया, पढ़िए उठाकर। और उन्होंने कहा कि इस मंदिर को बनाओ दूसरी जगह, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा ईश्वर है। औरंगजेब अगर मुस्लिम परस्त होते तो औरंगजेब तो वहां पर 40 साल तक रही ना, 40-42 साल तक रहे तो वो तो गाजर मूली की तरह काट देते। क्यों? कहते अरे ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो हिंदू को मूर्ते, ये तो विश्वनाथ को पूछते। कल आज आज ही मैं और यहाँ मुंगेर में था, मुंगेर में स्पेशली क्यों रुका पता? वो सीता कुंड है वहां पे, सीता कुंड, आज मैं वही था, जुम्मे की नमाज मैंने वही पढ़ाई बाजाबता। वो सीता कुंड में वो पानी उबलता है, खोलता है गर्म पानी, पता नहीं अल्लाह की कुदरत है, वो सीता कुंड लोग आते हैं आज भी देखने के लिए, गर्मी हो कि सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो पानी खोलता है, गर्म होता है। ये और यही औरंग मुंगेर बिहार का एक बहुत मशहूर मारूफ जिला है,
बहुत मारूफ जगह है। सिगरेट की सबसे पहली फैक्ट्री अगर अंग्रेज ने स्टेबल की तो वही मुंगेर। आज भी जो हथियार बनते हैं AK-47 बॉर्डर पर लड़ने के लिए आर्मी के लिए जो तैयार होता है वो मुंगेर में ही तैयार होता है। ये बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है। तो वहां पर जो सीता कुंड है उस सीता कुंड में पानी जो उबलता है लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये औरंगजेब को भी पता चला तो औरंगजेब ने उस सीता कुंड के नाम 70 बीघा जमीन अलॉट कर दी। वो औरंगजेब हमारा नाम जोड़ते किससे? बाबर से। हमारा नाम जोड़ते किससे? अकबर से। हमारा नाम जोड़ते किससे? खिलजी से। हमारा नाम जोड़ते किससे? अलाउद्दीन से, जलालुद्दीन से। हमारा नाम जोड़ते किससे? जनाब नासिरुद्दीन से, महमूद गजनवी से। इनसे उनसे जोड़ देते, जोड़ दीजिए वो मुसलमान उनका अमल उनके साथ। लेकिन इस बेचारे को बदनाम न करो, इसका अमल तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि इन्होंने एक रुपए भी बैतुल माल से रिजर्व बैंक से नहीं लिया। मरते वक्त इनके खजाने में टोटल 300 रुपए जो टोपी बुनकर इन्होंने कमाए थे। कौन? औरंगजेब। एक देश का महाराजा, श्रीलंका भी भारत में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, पाकिस्तान बांग्लादेश भी भारत में था, नेपाल और भूटान भारत में था, म्यांमार और बर्मा भारत में था। उस वक्त का एक तन्हा महाराजा औरंगजेब जिसके पास, जिसके तिजोरी में सिर्फ 300 रुपए जो टोपी बेचकर उन्होंने हासिल किए, 12-14 रुपए 12 आना जो कुरान करीम लिख कर उन्होंने जो हदिया प्राप्त किया था। मरते वक्त अपनी बीवी से कहता है कि मेरे बदन पर जो कफन होगा इन 14 रुपए 12 आने से कफन को खरीदना, क्योंकि ये मेरी मेहनत और पसीने की कमाई है। और जो 300 रुपए जो मैंने टोपी बुन कर पाए हैं, कमाए हैं, उन पैसों को मेरे मरने के बाद फकीरों में बांट देना। लाओ ऐसा कोई राजनेता, लाओ ऐसा कोई पीएम जिसकी जिंदगी के अंदर ऐसी नूरानियत हो, जिसकी जिंदगी के अंदर, जिसकी जिंदगी करप्शन से खाली हो। नहीं ला सकते ऐसी अमानतदारी। अगर तुमको कहीं मिल सकती है तो इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। हजरत उमर फारूक भी तो ऐसे ही थे ना, शान वाले, एक भी पैसा नहीं उनके पास, गरीबों के लिए लुटाते। मेरे भाइयों, 3 बज चुका है, वक्त बहुत हो चुका है।